हेलो दोस्तों, अब तक आपने जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जाना कि जावास्क्रिप्ट के इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री के बारे में, कि जावास्क्रिप्ट कैसे डेवलप हुआ, किसने बनाया एंड सो ऑन। तो इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर में कैसे रन करें और कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो नोड जेएस क्या होता है, मैं वो बताता हूँ। नोड जेएस क्या करता है, एक ओपन सोर्स इन्वायरमेंट है जो कि हमें सहायता करता है कि हमारे हमारे लैपटॉप में, हमारे विंडोज में जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सके। तो क्या कर सकते हो आप, इस पे वेबसाइट पे जाना, नोड जेएस पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करेंगे, देन वो इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कीजिएगा, इंस्टॉल करने के बाद अपना टर्मिनल खोलिएगा। तो मैं अभी अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। ओके, टर्मिनल खोलने के बाद यहाँ पे लिखिएगा नोड नोड डैश वी, देन ये आपको बता देगा कि आपका वर्जन कितना है। देन मेरा वर्जन 14 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो नोड इंस्टॉल पहले कर लीजिए। उसके बाद हम लोग एक कोड एडिटर की जरूरत है। ठीक है, तो कोड एडिटर मैं डाउनलोड कर लूंगा, वीएस विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, मैंने क्लिक किया एंड यहाँ पे एक कोड एडिटर आ गया। इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज कीजिए और ये डाउनलोड हो जाएगा, सॉर्टेड। इसके बाद हमारे पास हो गया नोड एनवायरनमेंट और वीएस कोड। लेकिन क्या आपको पता है दोस्तों कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को भी ऑनलाइन भी रन कर सकते हैं, एक ऑनलाइन कोड कंपाइलर जैसे रेपलेट है, उसमें भी आप जावास्क्रिप्ट कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं, अब बात करते हैं अपने कैसे जावास्क्रिप्ट कोड को रन करते हैं अपने पीसी में। मैं और सब टैब को बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक फोल्डर, पहले अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ। राइट क्लिक किया, न्यू विंडो मैंने क्लिक किया। ठीक है, देन मेरा वीएस कोड एक नया स्क्रीन खुल चुका है। ठीक है, मैं इसको लेकिन छोटा कर लिया स्क्रीन साइज को। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना दूंगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट मैंने फोल्डर बना दिया। अब यहाँ से ओपन फोल्डर से भी आप फोल्डर को डेस्कटॉप पे जाइए और जावास्क्रिप्ट फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, देन ये फोल्डर यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट का फोल्डर लाइक फाइल कैसे बनाते हैं। तो लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, वो एक फाइल बनाते हैं करके इंडेक्स, और इसका जो एक्सटेंशन होता है वो .js होता है। ठीक है, मैंने डॉट जी एस कर दिया। अब टर्मिनल खोलना है, तो ऊपर देख सकते हैं टर्मिनल लिखा है। मैंने टर्मिनल पे क्लिक किया एंड न्यू टर्मिनल पे क्लिक किया। ठीक है, अब मैं अपना टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी मतलब मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कैसे हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं। तो जैसे किसी भी आप लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी प्रोग्रामिंग को सीखते हैं, तो पहले हम लोग देखते हैं कि हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट करते हैं। पहले मैं कंसोल, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हम लोग के पास होता है कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो दोस्तों ये आपका पहला प्रोग्राम आपने लिख लिए। अब इसको रन करके देखते हैं कैसे रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, नोड, ठीक है, आई मतलब जो भी फाइल का नेम है, उसके बाद टैब प्रेस करेंगे। देखिए तो अपने आप ये सजेशन देगा। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे करेंगे, एंटर दबा देंगे, देन यहाँ पे देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड आ गया। या आप ऐसे करते नोड इंडेक्स डॉट जेएस और एंटर, तब भी ये आ जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, तो ये तो आपने देखा कि जावास्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हो। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नोड डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं नोड डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल है, गूगल कीजिए नोड जेएस, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद कोर एडिटर को डाउनलोड कर लीजिएगा। कोर एडिटर भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो हो जाएगा। उसके बाद इसके अंदर फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है और रन कर देना है। ठीक है, अब क्या आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि आप जावास्क्रिप्ट कोड को ब्राउजर में भी रन कर सकते हैं। कैसे, पहले यहाँ पे कंसोल कीजिए। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको क्लियर कर दिया। यहाँ पे देख सकते हैं एक आइकन है क्लियर ऑल करने का, जो भी वहां पे था उसको हटा। तो यहाँ पे मैं रन कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग हैलो वर्ल्ड। मैं इसको मैंने बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं रेपलेट के। रेपलेट में अपने जावास्क्रिप्ट कोड को कैसे रन कर सकते हैं। तो मैं चला रेपलेट डॉट कॉम वेबसाइट पे। ठीक है, फिर मैं आता हूँ होम पेज पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने, अगर आप लॉग इन नहीं किए हैं देन आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं।
ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लॉग इन किया, देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा क्रिएट रेपलेट। ठीक है, मैंने नोड जेएस आपको सिलेक्ट करना है एंड लिख दीजिए लर्न जावास्क्रिप्ट और ये क्रिएटिंग करने लगेगा। देख सकते हैं अपने लोग का रेपलेट बन गया, मतलब यहाँ पे एक फोल्डर और एक फाइल ऑलरेडी बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये लोडिंग एन आई एक्स इन्वायरमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडेक्स डॉट जेएस बन गया। और यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। ओके, तो और इसको हम लोग रन करते हैं, देन यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का हेलो वर्ल्ड कंसोल होके आ जाएगा। लेकिन लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है देन आप रेपलेट को अपने मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, रेपलेट प्ले स्टोर। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेपलेट का भी, गूगल करेंगे रेपलेट देन आपको ये एडिटर मिल जाएगा जिसमें आप अपने मोबाइल स्क्रीन में भी कोडिंग कर सकते हैं। काफी ये कूल ऐप है, आपको मदद कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना है कि जावास्क्रिप्ट को कैसे रन कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, कैसे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।